सुनेंगे, लेकिन उससे पूर्व पांच अध्याय चालीसा हनुमान जी का होगा और आप साथ देने की चेष्टा करें और उनके बाद में समय जैसे हमको मिलेंगे हम समय से रामायण महारानी की कथा को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम दोहे को नहीं गिनेंगे, एक दुआ हुआ चाहे दो, लेकिन समय के लिए हम मद्देनजर रखेंगे। धन्यवाद। तो आप साथ में हो जाए भाई पुरोहित जी के साथ में और कथा को हम प्रारंभ करेंगे, श्री गणेश करेंगे। सभी को जय श्री सीताराम। चलते हैं तीन बार को अर्चन करते हैं। ओ उमासितं शोकिविनाशकारकम्
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या पुण्येन्दुतु सारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या श्वेति पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडरा पहा। ओम सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्र्ये च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यारुणमयं वंदे विश्वं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। आपदापहर्तारा दाताराम सर्वसंपदा लोकाधिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितृवान भागं पाणौ महासायच चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवाय गोविंदा गरुड़ ध्वजा गुणानिधे दामोदराय माधवा। हे कृष्ण कमलापति अनुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठ आदिपते चराचलपते लक्ष्मीपते पारुमा। कर्पूरकारं करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः पार्वतीपते हर हर चलते पांच चल सा पाठ करते हैं मन जी का और आपसे आग्रह की आप हमारे साथ
गाने में असंख्य तालीम मिले। अपना ध्यान इस झांके में रखें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमर्श जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवो मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दिहु लोक उजागर। पर
रघुपति की भक्त बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत संभाले दास बदन तुम रोय सिंगारे भरत जैसी पति कंठ लगा सनका की प्रभादि मनीषा शारद शारद जय जय रघु कुबेर जी पाल नाथ कवि गोविंद जय सजय कहाते गुरु तुकार सुदेव ने की राम निराय राज तुम लोग अंत महेशन माता कंकेश्वर पर सब जन का जो सहस्त्र जो जन कर भाग जीवता ही मधुर भगवान प्रभु को मिलता मेरे मुख मारी कल बिहारी जय रजनकुमार दुर्गम लाल जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम लेते काल कुआरे तुम रखवारे हो छुड़ा क्या बिन परेशान सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का रूप हो जाए आपन तेज समारोह और मनोरथ जो कोई लावे सोई अनुज जीवन फल पाए चारो युग में ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर चंदन भाग कुमार अष्ट श्रेष्ठ गौतम के दाता अश्वर जीव जानकी मां रावण सायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के तुम विसरावे अंतकाल रघुबर पुरि लाए जहां जन्म हरि भक्ति पाए और देवता चिंतन धरि हनुमत से सर्व सुख में शंकर कटे पिछे सब पीला जो तुमरे हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव पिताई जो सत्यवार पाठ करे कोई गुरुदेव बंधु ना सुख होई सोया पढ़े हनुमान चालीसा कोई शिक्षा की गौरी तुलसीदास सदा हरि चेला की जय गाते जय माते कौन तनय संकट निवरण मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता श्री हृदय बसन सुन हो राम बुद्धिहीन तन जात के सुमिरो पवन कुमार फल बुद्धि विद्या देव मोहि हरन फले संसार हे रघुबाल ज्ञान गुण सागर जय गणेश के रोचन का काल दूत अतुलित बल धामा अंजन चोक पवन सुधा महावीर विक्रम बजरंगी कुमट निवार सुमत के नाम कंचन वरण विराज सुमेश आजन कुंडल कुंती गणेश आज बल्ल भगा व्याजे काजे मूल जने मूर्ताज शंकर सुमन केसरी नंदन तीर प्रताप महाजगवन विद्या वाणे गुणी यति चातु राम काज कर दे को आप समुद्र सुबे को राम लखन सीता मद मसी सुख रूप धरि सियहि दिखावा विग्रह रूप धरि लंकन राम वीर रूप धरि अनुष्ठवारे राम चंद्र की भाल सवारे साई सजीवन लखन सियारे रघुपति की नाम बहुत बड़ाई तुम दिए भरत संभाल दास बदन तुम रोय सिंगारे अंचल श्री पति कंठ लगा सनका की प्रभादि मनीषा शारद शारद जय जय रघु कुबेर जी पाल नाथ कवि गोविंद जय सजय कहाते गुरु उपकार सुदेव की ना राम निराय राज तुम रो मंत्र महेशन माता संकेश्वर हरि जय जयकार साधु
हनुमान की
उपस्थित भी भक्त जन की। देखिए एकल काल कलयुग में हम मानो और भगवान की कृपा किया हम आ गए। जब भी कीर्तन इत्यादि होता है, चालीसा पाठ होता है, उसमें भगवान का गीत होता है, तो भगवान सुंदर हाल भी आए तो इस्तेमाल करें, ताली बजाए। ये तो अगले जन्म में इनको अगर हाथ नहीं मिले, चार पैर मिल गए, तो कई और ताली बजाएगा, हमें भागना पड़ेगा। तो भगवान ने सुंदर हाल दिया, ताली बजा ले। ओ नमो भगवते वसुदेवाय, नमो भगवते वसुदेवाय, ओ नमो भगवते वसुदेवाय, ओ नमो भगवते वसुदेवाय। वसुदेवाय
नहीं है तो भाई टीका भी लगा दें। ये अक्सर आपको कभी कभी जब हम पहले जाते थे कोई जगह पर कथा भागवत में, तो एक बेटा या बेटी काम था ले जाओ फूल टीका सब लगाओ ना। अभी मॉडर्न जमाने में सब बंद हो गया, सब लेकर आगे बैठे रहते, कभी कभी नहीं देते। लेकिन अक्सर ये देना और लगाना यानी मस्तिष्क पर चढ़ाना बहुत जरूरी है। चंदन का टीका जब तक आपका मस्तिष्क पर ना जाए, रामायण महारानी की जो कथा है वो आगे जैसे चक्र नहीं चलता है, बस ये ब्लॉक हो जाएगा, भीतर हलेगा नहीं। अगर टीका लग गया तो भगवान नारायण के समझ में हो जाएंगे कि आज भक्तगण बैठे हैं और हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, चले भक्त को भी हम ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे, क्योंकि ब्रांड है हमारे में। त्रिपुंड टीका हो, त्रिलोकी नाथ का पूजन करने वाला हो तो त्रिपुंड टीका मारे, जगदम्बे उनके माता का हो तो बिंदु मार ले, अपने से मार के आ जाए। और अगर भक्त तुलसीदास जी का हो तो केवल चंदन घिस कर, तुलसीदास जी ने क्या किया था, चंदन का टीका लगाना जरूरी है। ठीक है, चले रामायण महारानी की अंतर्गत हम कथा को लेकर थोड़ी देर के लिए चलेंगे। केवल भारी महामंत्र तो हो गया, हनुमान जी जहाँ रहते वहां राम जी के साथ में रहते, जहाँ राम श्री रामायण का पदार्थ पड़े तो हनुमान जी बैठे रहते। किसी कवि ने कहा कि तुलसीदास जी का एक बहुत बड़ा मंत्र था और बोले क्या था, ओम जय हमारा बैठा ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, इस घट को जति हनुमंत रखवाला, बस दुहाई हनुमंत तेरा बजरंग बली लाख दुहाई, बालो महावीर स्वामी बाबा की, बजरंग बली हनुमान जी महाराज की। और दूसरा चीज में नोटिस किया कि घर घर पर लोग जो सनातनी अलंबियों में कुछ ना कुछ अपने द्वार पर हनुमान जी का झंडा लहराते होंगे 100%, उसमें से शायद कोई नहीं हो तो राइट, ठीक है वो भी चलेगा। लेकिन जब चालीसा पाठ हो तो आप ऐसे नहीं करें, कोशिश करें उनका साथ में गाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोक उजागर, बोले साथ में। अगर आप मनमनाते रह जाएंगे तो आपका गुण अनुवाद जो रहेगा वो मनमनाते रह जाएंगे जिंदगी भर, जीवन नहीं सफल होगा। तो अति आवश्यक है, जिसे पंडित जी ने बताया कि भैया ताली लगाइए, ये ताली में बहुत सुंदर सुंदर बात छुपाई में तो लिखा है ना, राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उरावण हारी। और अगर ताली जोर से लगाओगे, जो लक्ष्मी रेखा है ना, जो रेखा है पंडित जी लोग आकर हमारी रेखा चेक करते कर भैया दोनों को, जब बैठते हैं तो ज्योतिष खोल देते हैं, देखो पंडित जी कैसे ग्रह रहा है, कितना पत्नी हमारे कितना बच्चे होंगे, ज्योतिषी लोग से बताएंगे। तो इसमें एक लक्ष्मी रेखा भी है। अगर कथा भागवत में जाओ ताली जोर से लगाओ, बोले बजाओ राधे नाम का ताली, ताली बजाओगे आवाज निकलना चाहे तब फायदा है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं तो दूसरा ताली है, ऐसे ऐसे अच्छा से ताल भरकर उसका नाम दिया गया ताली, नहीं तो सब फिर खाली, फिर अंत में पकड़ियो प्याली। ठीक भैया, तो ताली बजाना है अच्छा सुरंग से, चले छोटी सी कितना रोज है भाई, चले देख कैसे आप ताली बजाते हैं। ठीक है, भारत देश में लोग ऐसे बजाते ताली झूम जाते हैं, देखते हो ना, हम शर्माते हैं, शर्माए नहीं, वैसा चीज में शर्माए, उनके बढ़ते हुए काम में हम कुछ काके, कोई कुछ बड़े तो उसमें हम डाका डाले, कोई कुछ अच्छा चीज है उसमें हम जाके सैतानी रूप धरे, उस सब काम में शर्मा, ऐसे सब काम में शर्मा, ये भगवान का नाम है। चले राम के चरणार, राम के चरणार, राम के
शुद्राग्र महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं महाकाव्य श्री रामायण महारानी में, उहां निशाचर रहेश शंका जबते जार गयो कपिल अंका। काक फसन जी गरुड़ महाराज से बताते हैं कि हे गरुड़, ये संवाद ऐसा है कि इनको वर्णी नहीं जाती, क्योंकि लंका में ऐसा डर हो गया जब से हनुमान जी लंका जरा कर गए, कोई राशि से दूसरे के देखते नहीं, डर समा गया। क्योंकि हनुमान जी जब आकर खड़े हुए रावण के आगे खड़े किए, तो रावण ने बतलाया ना कि बोले देखो तुम तो कपी आए हो कोई के दूध बन के, और हमारे जो घर में काल है तुम्हारे बगल में खड़ा है, एकदम वन टू तुम्हें लीले रहा है। तो हनुमान जी ने बताया बोले ठीक है रावण, हमारे बगल में खड़ा लेकिन देखे तुमने, हमें नहीं ली ली, हमारे बगल में तो खड़ा है लेकिन आपको देख रहे हैं, आपका समय आया है। तो यहां पर अर्थात श्री रामायण में बतलाया गया कि वह लंका में जब राक्षस डरते थे, जब से महावीर जी लंका चला कर गए, राम के बाण हनुमान जी महाराज स्वयं लंका में पधार कर लंका को नष्ट किया। अथवा जब हनुमान महावीर से लंका जलाए गए और कुछ ना बन पड़ा, इनसे संदेह में रहते हैं कि पवन नॉर्मल पवन बहे तो रहे ना, जब तूफान आए तो उसमें 49 पवन भी बहे तब डैमेजिंग विंड्स रहे, गस्ट विंड्स इसके बड़े, गेल फोर्स में कौन विंड चलता है हवा, जब 49 पवन संगे चलता है। जब लंका को जाला गया तो हनुमान जी हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना किया कि हे पिताश्री, शंकर भोलेनाथ को प्रार्थना किया ना, चालीसा में लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन, किसी कवि ने बतलाया बोले शंकर सुवन नहीं चादर लेके, शंकर स्वयं केसरी नंदन है, बोले अब मैं हनुमान अब आगे बढ़ते बोले अब मैं लंका को सजा रहा हूं, जला रहा नहीं हूं, बोले मैं अब लंका को सजा रहा हूं, जो रावण देखने को चाहता था 49 पवन को भेजिए। जब 49 पवन चला तब लंका जलकर नाश हुआ, ये नॉर्मल आगे लगने से लंका जलने वाली नहीं थी। तो देवी सज्जनों, अपने अपने घर में रावण के डर से सब विचार करते हैं लेकिन कोई बोलते नहीं है, डर है। डर कैसा चीज है, कभी कभी बियाबान जंगल में हम चल पड़ते हैं या कभी रात के लाइट ऑफ हो गया घर में तो हनुमान जी चालीसा हम 7-10 बार पढ़ देंगे, जब लग कहीं टोट नहीं बोले ओ हाँ से। तो इस प्रकार से डर है, रावण का डर है लंका में राक्षस का दूत का, सब विचार करते हैं कि राक्षसों की कुल का अब उद्धार नहीं है भैया, बोले अब ये जो राक्षसों का कुल था इसका उद्धार नहीं है, जब लंका जलकर नष्ट हो गई पहला प्रथम सिवनी पर हनुमान जी आ गए, अब क्या होता होगा। अपने में बात करते हुए जासु दूत बल वर्णी न जाई ते ही आए पुरकावन भलाई, बड़े जिसके दूत का वर्णी नहीं उनका बल को हम वर्णन नहीं कर सकते, जो दूत आए थे तो उसका स्वामी कौन रकम होगा, प्रभु श्री राम का वर्णन राक्षस अपने जिभ्या पर लेने के साथ शुरुआत कर दिए, क्या करते हैं माया मायापति भगवान श्री रामचंद्र जी भेजे हैं धीरे धीरे सब कुछ, तुम ख्याल करते रहो क्योंकि मैं आ रहा हूं। तो यहां पर बताया गया तुलसीदास जी गणित करते हैं, प्रजास दूत बल वर्ण न जाई तहे आए पुर कवन भलाई, बड़े जिनके दूत का बल वर्णन नहीं जाता उसके नगर में आने से क्या भलाई होगी, अर्थात महा अनर्थ होगा, क्योंकि जब दूत ऐसा है तो राजा कैसे होंगे, बल जब दूत ऐसा है तो राजा कैसे होंगे। या पुरवासियों की वाणी दूतियों से सुनकर मदद मन में अत्यंत व्याकुल हुई, और
जब याकूब वासियों का वाणी को सुनते हैं तो रावण की जो धर्म पत्नी थी मदोदरी और मन में अत्यंत व्याकुल हो गई, मन में अभी मानसिक दुख में क्षमा करके मंदोदरी मानसिक दुख में व्याकुलता को लिप्त में है। रहसी जोर कर पति पद लागी, बोले वचन नीत रस लागी। एकांत में हाथ जोड़ कर पति के चरण छूकर एकांत में मदोदरी जाती है और रावण के आगे हाथ जोड़ती है और नीति के वाणी बोलती, अनीति नहीं, नीति विचार कर। कोई भी वाणी कभी समाज में बोले तो नीति से बोले, घर में भी बोले तो नीति से बोले। अगर कुछ नीति के बात हो खेल तमाशा तो सब जगह पर हो जाता है, लेकिन कुछ सीरियसली हो तो नीति हो, मंडली हो तो नीति हो, ये सब शिक्षा रामायण से मिलती है। खल मंडली हो तो अनीति हो ना। रावण ने खल मंडली भी जुड़ा था सब बगल चलते राजा हुआ, लेकिन जो अपना नीति पर चलता है वो चलता ही रहेगा। श्री राम का दूत केवल जाते हैं, अंगद गया, हनुमान गया, अंगद गया, ये सब गए हैं, लेकिन लौटे परिणाम लेकर। अनीति से जाओगे तो नहीं लौटियो, जर कर वहीं फंसा हुआ जो वह। या प्रवासियों को वाणी दूतियों को सुनकर मदोदरी मन में अत्यंत व्याकुल हो गई, बहुत व्याकुल हो गया मदोदरी। रहस्य जोर कर पति पद लागी और एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरण छूकर नीति के रस में सुनी हुई वाणी कहने लगी, अथवा रहस्य स्थान में रही कर जोर का अर्थ। रावण जाता था और इसने चरण पकड़े जोर से रोक लिया, रावण कहीं पर जा रहा था उस समय, लेकिन मदोदरी चरण जोर से पकड़कर रोक लिया और बोली, तुम बचोगे नहीं क्योंकि तुम नीति युक्त नहीं हो। बोले तुम बचोगे नहीं क्योंकि आप नीति युक्त नहीं हो, अथवा नीति युक्त ना होने से बच ना पागी, तुम्हारी पगड़ी ना बचेगी। बोले जो पगड़ है ये जो सरताज रखे हो लंका का, ये आप बचाव नहीं पाओगे। हे स्वामी भगवान से शत्रुता त्याग दो। मदोदरी के मुखारविंदों का बात है देवी सज्जनों, मदोदरी बतला रही है कि हे स्वामी भगवान, मदोदरी अपने मुख से बोलिए, बोले हे स्वामी भगवान से शत्रुता त्याग दो। भगवान से शत्रुता जो करेगा बस रावण के रकम खप जाएगा, और मेरा कहना जो हितकारी है सो मन में धरो। बोले अगर मेरा कहना आपको अच्छा लगे तो मेरे मन में धरो और सो मन में धरो। समझत जास दूत की करनी स्त्रही गर्भ रजनीचर धरणी, जिसके दूत की करनी श्रवण करने के राक्षसों के गर्भ, बोले जिसके दूत की करनी को बयान करने से और राक्षसों का गर्भ गिर जाता है। एकांत जो भलाई चाहो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी स्त्री को उनके पास भिजवा दो। अगर अपना भलाई चाहते हो तो बोले आप कहने ऐसे करो, मैं आपसे करवत्य विनती करती हूं कि आप हमारे जो सचिव है उनको बुलाओ और ये जो स्त्री आप उनको चुरा कर रखे हो उनको आप लौटा दो। आगे चले इसमें चौपाई नित्या
राम मान अहि तन सरसन देकर निसाचर भेके रामा कृष्णचंद्राचर भेके जब लगे कष्ट तरा तब ही लगा यत्न करहु तजि हे सीता भर रामचंद्र की जय। देवी सज्जनों ये चौपाई को मदद दी बदला यथार्थ पाठ कर रही की है। रावण बोले जिन्होंने तुझे अजर किया है अमर नहीं, बोले जिन्होंने तुझे अजर किया है शंभु भोलेनाथ वो भी तुम्हारे साथ में नहीं देंगे। जिससे तू बैर खा रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जगह चरण छूते हैं उनसे तुम बैर कर लिया, क्यों अपना भलाई आप चाहो? ये पूरा भूवासियों को भलाई आप चाहो, अपने जितना भी बच्चे उनका भलाई चाहो तो आप अच्छे से मां सीता को लौटा दो। राम बाण युगन सरिसा निकर निशाचर भेद रघुनाथ जी के बाण सर्प के तुल्य है, बोले रघुनाथ जी का बाण सर्प के तुल्य है। श्री रामचंद्र जी भक्ति पथ थे देवी सज्जनों, सदा भक्ति पथ में थे, सदा सीधे खड़े हैं। लेकिन किसी कवि ने बताया बोले अगर राम कृष्ण की तुलना करो थोड़ा अंतर है, बोले राम जी बड़ा साधारण है और कृष्ण जी बड़ा टेढ़ा है। खड़े भी रहते तो टेढ़े, बांसुरी भी लगाए तो टेढ़े, जितना भी टेढ़ा निशा चलाते सेम टाइम बद। और श्री रामचंद्र जी भक्ति के मार्ग पर चलते ना, मौका देता है सुधर जाओ, मौका देता है अभी से सुधर जाओ, मौका देता है अभी से मान लो दांत गिर गया मनुष्य फिर फिट कर देते हैं तो भी मंडली नहीं जाएंगे, तो भी रामायण नहीं जाएंगे, हाथ गिर गया पैसा है ना हाथ लगा लिया जाकर भारत देश में तो भी नहीं जाएंगे, या मंगल कार घरे नहीं करेंगे मतलब पूजा पाठ भी मंगलिक कार नहीं करेंगे। गोड़ भी गिर गया भगवान जो गोड़ गिराया चलो डॉक्टर जी दूसरा गोड़ दे दूसरा गोड़ लगाकर चलते खर्चा भी कर देते चलते नहीं चलते, कान भी गिर गया तो झटका कान भी लगा लेंगे। भगवान बोले अरे सब कुछ दिया सब चीज तो लगा लिया लेकिन भगवान अपने बताते अब तुम्हारा पृथ्वी पे समय पूरा हो गया, जब तुम्हारे पास पैसा है तो हमारे पास मार्ग भी है। इसी प्रकार से जब लग भगवान का दिया हुआ अंग है देवी सज्जनों किसी भी मजहब में रहो लेकिन भगवान को याद रखो अनुपम शक्ति मिलेगा। तो इस प्रकार से बोले रघुनाथ जी के बाण सर्प के तुल्य है, सर्प सर्प जानते हो डस लेते हैं, राक्षस समूह मेढक के समान है। बोले हे रावण मदद तुम्हें बता दी, बोले जो राम का बाण है वो क्या है वो सर्प के तुल्य है, और बोले जानते जो राक्षस के समूह तुम्हार है बोले मेढक के समान है, टर टर करते रह जाएंगे बाण ना कर मारकर चला जाएगा और कुएं में टटराते रह जाएंगे। इस प्रकार वे जब तक मेढों को ना खाए तब तक जानकी के ना देंगे, बोले हमें ऐसे लगे जब लग तुम्हारा मेढक नहीं मरेंगे तुम जानकी के ना देंगे। तो अगोरो और अर्थात जानकी को दो और रघुनाथ जी से मिलने का ही कथन करो, बोले तुम कहे नहीं रावण श्री राम जी से जाकर मिलन कर लो, कब लग तुम ये नाता ऐसे अटूट फूट रखोगे। मधुद्री समझा रही है घर की जो नारी है वो देवी स्वरूप होती है, जब लग नारी घर में नहीं है घर भूख समान लगेगा, कभी ट्राई करना अकेले है घर पर भोजन पानी इत्यादि सब बनाना पड़ गए और नारी नहीं हुई टाइम ख्याल लगी बिन गृहिणी घर भूत समाना, तब किसी कवि ने कहा है बोले बिन गृहिणी घर भूत समाना, भूत के माफिक लगी हॉन्टिंग हाउस हो जाए। मधुद्री समझा रही है रावण तुम मान जाओ हमारे को सिंदूर के तो लाज रखो, टीका के तो लाज रखो, मंगल सूत्र के तो लाज रखो, आगे चले सुने क्या होता है। सवन सुनते सठ तात Thank you.
रुलाई चले सभा ममता दिखाई, या कहकर हंसते हुए उसे हृदय से लगाकर अपने अहंकार से सभा को चला। और या सुनकर रावण हंसते हैं, और उसका हंसना भी एक बात था कि कभी रावण जब अपने पूर्वासियों को खड़ा करके अपने जितना ही वंशज बड़े जब ऐसे आगे खड़ा करके कभी हंस देंगे 360,000 ना, तो ले क्या होगा उसका नाश जान जाने वाला। तो ऐसे कुछ हुआ, रावण खड़ा हो गया अपने सिंहासन पर, और 10 मूर्द इतना दांत था, कितना दांत था रावण का जी, रावण के मुख में कितना दांत था, 320। वही तो बोला अभी कितना था, सत्संगत किया जाते थे 20-30। सीधा बोलो भाई 320 दांत को कटकटा कर जब रावण ने हंसा है, जान गया कि अब हमारे नाश है। तो देवी सज्जनों, और हंसते हुए रावण क्या करता है, ये अहंकार को बिल्ड किया। कभी कभी लोग को अच्छा जिमता हंस कर रहा है, तुम क्या बात करता है, अहंकार को बिल्ड करते सभा में चले जाए, अपने सभा करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। मधुद्री ने मन में विचार किया कि अब स्वामी पर विधाता विपरीत हो गया। मधुद्री को ऐसे किया, अपने आगे को बढ़ा, मधुद्री को पीछे लौट कर नहीं देखे हैं। कभी कभी जब हम गरीबता को छोड़ते हैं, जो हमारे में जब कभी कभी धन पाक इत्यादि मिलकर बढ़ने लगती है, तो इतिहास बतलाती है कि कभी कभी अपने गरीबता को भी भूल कर देख ले कि कहां से बड़े थे। और कभी कभी लोग भूल जाते हो गरीबता को, जैसे रावण आज भूल गया मधुद्री को, पीछे नहीं घूम गया रावण ताकि। इतिहास बतलाती कि तुम बढ़ते हो लेकिन अपना गरीबता जो है, जो डिबरी में पड़े हो, जो रोटी बेल कर उसमें मानो क्षमा करे, जो झोपड़ी में खाए हो, बुरे में खाए हो, टटियाला घर में, वो भी थोड़ा ख्याल कर लो, तब आगे को आप बढ़ते रहो बढ़ते रहो, वो तो भगवान आपको बढ़ाते रहेगा। तो देवी सज्जनों, रावण पीछे मुड़ के अपने अर्धांगिनी मधुद्री को नहीं देखती। बैकबोन जो है ना, घर की जो बैकबोन है वो नारी समाज स्त्रियों रहती है, अच्छा नहीं बताएगी कभी कभी, कभी कभी गलती बताती है, लेकिन ढोल लगावा शुद्ध पशुनारी सरदारन के अधिकारी कभी कुछ कुछ बोल दिया जाता है, लेकिन अच्छा में उनका 90% वो अच्छे की बतलाएगी। घर के मारक कैसे चलाना, घर में क्या करना है। आज मधुद्री रावण को सीख देती, लेकिन मधुद्री खड़े रहेगी, रावण सभा में निकल गए, बड़े जाते हम मीटिंग करने के लिए। और क्योंकि दीपक के भुजने की गंध, शहदों के वाक्य, अर्धुति तारा, ये तीन वस्तु गदा युष पुरुष सुनते सुनते नहीं देखते नहीं अर्थात इसमें, तब रावण क्या होता है, सभा में जा बैठा तो खबर पाई कि समुद्र के पार सेना आ गई। अहंकार से रावण निकला घर में से सभा में, जैसे जाकर सिंहासन पर बैठा और तुलसीदास जी लिखते बड़े बैठे हो सभा खबर ही सफाई, मीटिंग जाकर जैसे शुरुआत करने को था, सभा में उनका मैसेज आया, बोले हे रावण क्या है, बोले समुन्दर के पार सेना आ गई है, समुन्दर पार सेना आ गई है, तुम्हारे टेरिटरी में आ गया है, इट्स विद इन योर टेरिटरी नाउ। रावण को मैसेज मिला और मंत्रियों से पूछा कि उचित मत कहो, तुम्हारी इसमें या सहमति है, वे सब हंसे कि इसमें कौन से मौन उत्तर है, कहो एक मौन उत्तर है नहीं, क्योंकि तो राइट बात है कि सागर पार होकर, और सागर से भगवान अरदास किया कि मुझे जाने के मौका दो, तो वहां जो कुछ हुआ भगवान तो करवे करा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा शिव समान हुई, आओ न दूजा आगे बढ़े। आगे बढ़ के बाद में रावण को खबर पाया कि अब सेना सहित श्री रामचंद्र जी लंकापुरी की तट के लगे आगे हैं, और चले अंतिम दोहे में हम मुड़ेंगे देवी सज्जन रात्रि काल की मेला में। सचिव वैद्य गुरु की जो प्रिय
प्रिय को नहीं भय राधा प्रिय को नहीं भय राज गोसाई जी बतलाते हैं कि रावण ऐसा अभिमानी था, रावण के आगे बोले बैल के आगे बिन बजा बैल खड़ा पगुराए, बस वही बात। सुमत के बाद रावण कभी सुनता नहीं चाहता था देवी से, नहीं कुमत के बाद कर दो तो रावण का कान और भारी, लेकिन सुमत का बात नहीं। और सुमत जहां पर रहता है वहां पर सब कुछ बनाई रहता है। जो मंत्री भय से प्यारी वाणी बोले तो राज्य का नाश हो, तुलसीदास जी लिखते हैं जो मंत्री अगर भय से वाणी बोले, जो सचिव हो या एक सभा में एक कम्युनिटी में गोकर हो, जो सचिव हो राज्य के नाश हो जब तक वो भय के वाणी बोले, डर से वाणी बोले, फ्रीक्वेंसी वाणियां लेकर आए। जो सचिव है वो बैठकर अपना नीति का वाणी बोलेगा बेधड़क, बैठ भय से अथवा किसी लोग की आशा की प्रिय वाणी बोले तो शरीर का नाश हो। बोले अगर डॉक्टर है, डॉक्टर भय से काम करे, चार जन से पूछ के दवाई दे तो जानो उसका भी नाश है। इधर बोले गुरु भय व आशा से प्रिय बोले तो धर्म का नाश हो जाए। अगर कोई गुरु हो भय से काम करे, भय से ज्ञान देवे और आशा करे आपको, हाँ हमें आशा है कि आपका कार्य पूरा हो जाए, वैसे नहीं आशा है तो गड़बड़ बात है। गुरु स्ट्रांग होना जरूरी है ना, वही तो पार लगाएगा अंत में, करमधार सदगुरु वही तो जाएगा अंत में। देवी सज्जनों तो देवी सज्जनों आगे तात पर या कि मंत्री ठकुर सुहाती कहने से नीति बिगड़कर राज्य का नाश होता है। अगर मंत्री गिड़गिड़ाकर बात कहे समाज में तो नाश होता है राज्य, तभी कभी भाई मंत्री का बात नहीं अच्छा लगता है तो बगाल, वो मंत्री बात अच्छा नहीं लगा, उसका बात नहीं अच्छा लगा, इसके बाद इसी प्रकार घर में भी रावण का मंत्री बात नहीं अच्छा लगा, अब तुम्हें क्या हुआ नाच हो गया। अगर सुन लेता लोग नाच नहीं होता, रावण का सबको हरा भरा था, हरा भरा थरिया में रथ मार कर गए। आखिरी में जाकर रावण फंसाया, कोई एक लकड़ी लगाने लगा चिता पर नहीं था, कोई नहीं बचा कि सभा लग गए, नाती पुत्र पोते सब थे लेकिन लकड़ी जुहाते के लिए आगे का तो संस्कार छोड़ो, लकड़ी ले जाने के धरना इतिहास लिखता है कि रावण के कोई नहीं बचा। तो हमार तुम्हार तो बातें छोड़ो, घर में दो लड़का नहीं थी, रावण के तो 108 सवाल का नाती कोई नहीं बचा, राम से वैर किया, धर्म से वैर किया, नष्ट हो गया देवी सज्जनों। घर अगर घर है भाई भाई का प्रेमता होना जरूरी है, एक दूसरे को प्रीति में प्रेमता होना जरूरी है, एक दूसरे को आपको आदान प्रदान करना जरूरी हो। अगर भगवान को छोड़कर क्योंकि हम सब भगवान के लोग को जाएंगे, जिसकी मैं जाते जाते बदला रहा हूं, अब तो कथा यहीं पर विराम करेंगे, जाते जाते भगवान को धाम कौन जाएंगे देवी सज्जनों। बोले कोई भूत लोग को पूछता है भूतों को तो भूत लोग जाएगा, कोई देव को पूछता है तो देव लोग जाएगा, पिता का कथा है। पितृ को आप पूछते हो तो अपना पितृ को आप ऋण तारते हो, भूत को आप पूछ कर करोगे, अवघट को पूछोगे तो अवघट नचाएगा, बात मसान को पूजेगो तो आपको मसान थोड़ा देर नचाएगा जिसके ऊपर आप भेजे हो, फिर अंत में तुम्हें नचाएगा मसान तुम्हें, कोई पता नहीं लगी। तो इसी प्रकार से बतलाया गया कि श्री रामायण में हमारी उत्साहित जागना बहुत जरूरी है, दृढ़ विश्वास एक संकल्प होना जरूरी है। सनातन धर्म में हमारी दृढ़ विश्वास
तब हम झंडा लहरा सकते हैं, यन्यथा झंडा ऊपर रह जाएगा, डंडा हाथ में टंगा रह जाएगा। लेकिन देवी सज्जनों, रावण की जो डंडा था, श्री रामचंद्र जी जाकर वो डंडा फिर रावण को अच्छी प्रकार से पकड़ाया कि तुम झंडा को उड़ा लो और हम आ गए हैं, क्या करने को चाहते हो। और रावण और राम के संवाद फिर आगे मिलते रहेंगे, लेकिन समय अनुसार कथा को आज वहीं पर विराम करते हैं। और भाई श्रीमान और श्रीमती अजनेश सागर जी की जो भी मन्नत था, उनकी परिवार के उनकी जो विद्या है, विद्या रानी गनी है और उनके कुटुंब परिवार है, आज उनकी माता साथ में, लेकिन सब कार्यक्रम को वे बच्चे साथ में मिलकर किए, उनके पिताश्री साथ में, और आपकी जो भी मन्नत हो भगवान पूर्ण करे। और ऐसे अपने स्थान पर आप मंगलिक कार्य किया है, रामायण महारानी की कथा आप सौ कानों को सुनाए हैं, ये भगवान आपको सदा सदा के लिए प्रफुल्लित करते, धन्यवाद। आगे पंडित जी चले, थोड़ी सी प्रेरणा कीर्तन हो जाए, इसके बाद हवन करेंगे, सभी कोई शांति हो जाए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव का, जहां मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव का, जहां मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण साहाई हो, कौशल्यावारी हो, लक्ष्मण साहाई हो, कौशल्यावारी हो, स्वामी तुझ जैसा मेरा रघुराई हो। चले साथ में हवन करेंगे।
दर्शन करेंगे। ओम मां पवित्र पवित्र वाह सर्व संग समरे पुण्यका चवाह भयंतर स्थिति नवम चारों पुनः पे की फूल रखेंगे वाणी। ओम श्री अग्निवाय भ्यो नमः। ओम यज्ञनारायण नमः। पुष्पम शमर व्यामी अभ्यो नमः। ओम नमस्तुते नमः। ओम श्रीगिंद्रिवाय भ्यो नमः। ओम यज्ञनारायण नमः। ओम कीर्तम शमर व्यामी नमस्तुते नमः। ओम अग्निवाय नमः। ओम आचतम शमर व्यामी नमः। ओम नमस्तुते नमः। चले कपूर चलाले भूभुवस्वः ओम भूभुवः भूरिभुम्नः पितरुम्नः तस्सते पृथ्वी देवजानि भ्रष्टयगिन्मन्नाय नमः। ओम श्रीगिन्दवाय नमः। ओम स्थापयामि पूजयामि रक्षयामि नमो नमः। एक लकड़ी दोनों को नाम धीमे लगाकर स्वा बोलेंगे आप भी स्वा बोल कर छोड़ देंगे। ओम अयंतरमात्मजा देवीरस्ते वरस्व चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे ज्ञानधे स्वाहम इदम जादि सेदम नमः। दूसरा ओम सविधे सूचि सौतंत्रे वशोतन अग्नि जादि से स्वाहम इदम अग्नि जादि सेदम नमः। तीसरा ओम सविधा स्वाहम इदम सविधाय इदम नमः। अच्छा से लकड़ी सेट कर देंगे। ओम नमः शिवाय नमः।
ओम शंकराय नमः, ओम शंभुवाय नमः, ओम रामायण माताय नमः, ओम श्रीरामचंद्र नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम धाम दिवाय नमः, ओम स्थान दिवाय नमः, ओम विष्णु देवी देवताय नमः, ओम पूर्ण पार ब्रह्म नमः, ओम शिनोग्रह दिवाय शांति करा भवन्तु नमः, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। आप लोग बगल हो जाओ और जनाएंगे सामग्री जिसमें कम की तरह रिपीट कर दो भैया जी, सामग्री तरह रिपीट कर पकड़ो दिलीश सुना गया भैया भैया सुना गया कसो बेटी आप जब कर लिया जनरल करें पकड़ गए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम जगदम्बे गौरी माताय नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम धरती माताय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नागराजाय नमः, ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते वायुनंदनाय नमः, ओम सरस्वती माताय नमः, ओम श्री रामचंद्र नमः, ओम महावीराय नमः, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवंदना मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। चले सभी को गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवास्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। जितना बड़ा जन है आप लोग नहीं बोलना, जितना छोटा लड़का ने आप लोग बच्चों आप लोग गायत्री मंत्र बोलना। 1 2 3 जोर से बोलो। चले सभी कोई साथ में बोले। देखिए माँ पिता अपन बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाओ। अच्छा सबसे सहज मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि अगर बच्चे मंत्र नहीं जानेंगे तो हमारा जो धर्म है वो धर्म के राह पर नहीं चल पाएंगे। चले सभी कोई साथ में बोले। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीरं नमः। चलिए इतना सामग्री सब एक में कर लो। आप लोग खड़े हो जाओ, सभी कोई खड़े हो जाओ, जो नहीं खड़ा हुए मांगे तो बैठे रहिए। या सामग्री सब एक में कर लो। ओम सीता लक्ष्मण भर शत्रुघ्न हनुमते सुमिश्राम चंद्र नमः। ओम शर्व दिवाय ओम शर्व माताय शंभुनोति नमः स्वाहा। जितना सामग्री है तीन बार में सब छोड़ो। शर्व ओम पूर्ण गुम स्वाहा, शर्व ओम पूर्ण गुम स्वाहा, शर्व ओम पत्राधार से घी छोड़ बचा था घी। ओ पवित्र मशे वसुभारं सहस्तारणं शर्व ओम पूर्णगुं स्वाहा, शर्व ओम पूर्णगुं स्वाहा, शर्व ओम पूर्णगुं स्वाहा। जल से स्नान करेंगे। ओम ईश्वराय नमः, ओम माध्वाय नमः, नमो नारायण गोविंदाय नमः।
भी पानी हाथ में लगा कर तपन करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, श्री अग्नाराय नमः, ओम पूर्ण पाय ब्रह्मभ्यो नमः, ओम नमस्तुते नमो नमः। यज्ञनारायण भगवान प्रणाम करेंगे। ओम श्री कीर्तिवाय भ्यो नमः, ओम शरणं दण्डवते नमो नमः। प्रेम शिवलिंग भगवान की जय। सभी कोई खड़े रहना, कोई जल्दी बैठना, आरती करें। मेरा बर्तन अच्छा बोला, बर्तन रख दो, उधर कर दो, अभी रहा दो, आरती हो जाए तब इधर बगल कर लो, आरती मारो। आरती श्री
लक्ष्मी नारायण भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलानी तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते शांति शामा शांति रे दे ओ
करते हैं। आग्रह करते हैं जो ग्रह पिताश्री है हमारे श्री रमेश साहिदा जी, आपसे आग्रह आप आगे चले आए और बच्चों आपको माला यानी मस्तिष्क पर टीका ध्यान करके माला इत्यादि पहन बनाकर और आपसे आशीर्वाद की कामनाएं करते हैं। समय से चलते हैं भाई बहनों, आप घर के परिवार समय आप पार करेंगे। सभी कोई साथ में जाओ, चिंता लगा लो, खाना पीनाए जगदाय गोविंदाय जन। अगर घर में माँ पिता हो, कोई बड़ा हो, तो उनका सेवा करना हमारा फर्ज होता है। ये नहीं कि अपने माँ पिता को दुख दो, प्रेम से मात पितर देव की।